कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने शुक्रवार को अपने जन्मदिन के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा बधाई देने जाने पर उनकी सराहना की है। इसी के साथ कल्याण बनर्जी ने पिछली गलतफहमियों को भूलकर आगे बढ़ने पर भी जोर दिया है। गुरुवार को टीएमसी नेता 67 साल के हो गए हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने कहा, मुझे मेरे जन्मदिन पर बधाई देना वाकई में उपराष्ट्रपति द्वारा एक महान प्रयास था। उन्होंने मुझसे और मेरी पत्नी से बात की और हमें अपने आवास पर रात्रि भोज के लिए भी आमंत्रित किया। सांसद कल्याण बनर्जी ने आगे कहा, जीवन में हमेशा पिछली गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तारीफ की है। बता दें कि पिछले महीने ही संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी। उनके इस बर्ताव पर सत्तारूढ़ पार्टी ने आपत्ति भी जताई थी। हालांकि कल्याण बनर्जी ने बताया था कि नकल अभिव्यक्ति का एक रूप है और प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। हुगली के श्रीरामपुर के सांसद ने गुरुवार को खुद एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बंगाल के पूर्व राज्यपाल तथा वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी पत्नी से फोन पर बात की, जन्मदिन पर बधाई दी तथा अपने घर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित भी किया। कल्याण ने इसके बदले में उन्हें धन्यवाद दिया है। मालूम हो कि पिछले महीने ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर सियासत गरमा दी थी। भाजपा ने इसकी कड़ी आलोचना भी की थी। हालांकि टीएमसी सांसद अपने रवैये पर अड़े रहे और कहा था कि मैं बार बार नकल उतारूंगा, ये मेरा मौलिक अधिकार है। टीएमसी नेता ने कहा कि मुझे जेल में भी डाल दिया जाए तब भी मैं मिमिक्री करता रहूंगा। मुझे मिमिक्री करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी के पास शिक्षा नहीं है और उसे हास्य समझ में नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ। मिमिक्री को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि इस प्रकार का असंसदीय आचरण अस्वीकार है। उन्होंने कहा, मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा, गिरावट की कोई हद नहीं है। एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय आचरण का वीडियो बना रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। उन्होंने कहा, लेकिन कल्पना करिए, आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता एक दूसरी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य की वीडियोग्राफी कर रहा है, राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष की मिमिक्री कर रहा है। कितनी गलत बात है, कितनी शर्मिंदगी भरी बात है, ये अस्वीकार्य है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।